हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। रीजन में दिया है, हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर, जो कि एकदम राइट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। ये तीन जो फैक्टर दिया है ऑल आर राइट, सो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। Which one of the following cause a decrease in per capita consumption using a metering system? A is right answer. Next question. The hourly variation factor is usually taken as, this is 1.5. If the average daily consumption of a city is 100,000 meter cube, the maximum daily consumption on peak hourly demand is, देखिए फ्रेंड, फॉर पीक आवरली डिमांड कैलकुलेट किया जाता है 1.5 इंटू 1.8 इंटू जो अमाउंट दिया जाता है, ओके, एवरेज डेली कंजम्पशन जो दिया जाता है उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, The distribution mains are designed for, the distribution mains are designed for maximum hourly demand on maximum day. D is right. Seventh question, as compared to geometrical increase method of forecasting population, arithmetical increase method gives lesser value. So option A is right. The population of a town in three consecutive years, 5,000, 7,000 and 8,400 respectively, the population of the town in the fourth consecutive years according to geometrical increasing method. देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ना, पहले इस दोनों का कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है वो पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है, एंड नेक्स्ट 7,000 एंड 8,400 में कितना इंक्रीज़ हुआ है इसको कैलकुलेशन किया जाता है। दोनों परसेंटेज का एवरेज निकलने के बाद जो एवरेज आएगा, इसका जो एवरेज आएगा उसको जो लास्ट पॉपुलेशन आया है 8,400 का, उतना परसेंटेज इंक्रीज़ करने के बाद जो आंसर आएगा वो ही होगा इसका आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुइटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीज सिटी इज, दिस इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम क्लोज टू द वेल। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस व्हिच आर इंस्टॉल फॉर अ ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड इनटेक। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। पोरोसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ऑप्शन ए इज राइट। द टाइप ऑफ वाल्व व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन अ ट्यूबवेल इज रिफ्लक्स वाल्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल इज 50 लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, एज कंपेयर टू शैलो वेल्स डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज। ऑप्शन सी इज राइट। ग्राउंड वाटर इज यूजली फ्री फ्रॉम suspended impurities. The polluted water is one which
consists of undesirable substance rendering it unfit for drinking and domestic use. Option B is right. Next question. Which of the following is not a waterborne disease? Option D, malaria is not a waterborne disease. This is spread by mosquitoes. The most common cause of acidity is carbon dioxide. Option A is right. The phenolic compound in public water supply should not be more than option C, 0.001 ppm. Question number 21. The maximum permissible limit for fluoride in drinking water is 1.5 milligram per liter. Option B is right. Standard EDTA solution is used to determine the hardness of water. Option A. Question number 23. If the coliform bacteria is present in a sample of water, then the coliform test is to be conducted is. All tests are related to coliform. Okay. So option D is right here. Next question. The alkalinity in water is expressed in milligram per liter in terms of equivalent to calcium carbonate. Option A is right. Which of the following values of pH represent a stronger acid? Option 2. Sabse kam hai. In mein se so sabse stronger to wahi hoga. Option A is right. Turbidity is measured on standard silica scale. Option A is right. Next question. On standard silica scale, the turbidity in drinking water should be limited to 10 ppm. Okay, option A is right ho jayega. Question number 28. Residual chlorine in water is determined by both are right. Option A and B, starch iodate method and ortho-toluidine method, is both are right for both tests are determined for determine the residual chlorine. Okay, so option C is right. Ortho-toluidine method is used for determine of residual chlorine. Okay, if the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonated hardness will be equal to total alkalinity ho jayega. Option A is right. Next question. The amount of residual chlorine left in public water supply for safety against pathogen bacteria is about 0.05 to 0.5 ppm. B is the answer. Question 32. The dissolved oxygen level in natural unpolluted water at normal temperature is found to be of order of 10 milligram per liter hota hai. Next question. The velocity of flow of water in sedimentation tank is option C, very important question. 15 to 30 semi per minute velocity of flow of water in sedimentation tank. Option C is right hoga. Next question. The length of rectangular sedimentation tank should not be more than 4 times of its width. So 4B, C is the right answer. The overflow rate of plain sedimentation tank is 500 to 750 liter per hour per meter square. And jo option B mein diya gaya hai, this is for coagulation with sedimentation. Kya hai? Overflow rate. So question number 36. Percentage of bacteria load that can be removed from the water by the process of plain sedimentation is about 75. C is the right answer. The settling velocity of a particle in a sedimentation tank is depend on surface area of the tank. Option B is right. Next question. The settling velocity of a particle in a sedimentation tank increases if in mein se koi bhi nahi hoga. So option D is right hai. Okay. Question number 39. For a given discharge, the efficiency of a sedimentation tank can be increased by
इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रेस्पेक्टिवली फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन आर जनरली मोर एंड लेस। सी इज द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ कोआगुलेशन नीडेड फॉर द अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट नीडेड फॉर कोआगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन बी जो है इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलम एज ए कोआगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द पीएच रेंज ऑफ 6 to 8। सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटेंशन पीरियड इन कोआगुलेशन टैंक इज यूजली केप्ट एज ऑप्शन सी 2 to 6 hours। द एलम व्हेन एडेड As coagulant in water, it decrease the pH value of water. Option D is right. Next question. 45. The chemical most commonly used in increase the speed of sedimentation sewage is option C, lime use kiya jata hai. In water treatment, rapid gravity filter are adopted to remove bacteria and colloidal solids. The rate of filtration in slow sand filter in million liter per day per hectare is 50 to 60. Question number 48. The effective size of sand particle used in slow sand filter is 25 to 0.35 mm. Very important question. As compared to rapid sand filter, slow sand filter gives slower filtration rate and higher efficiency to removal bacteria. So option C is right. Iska efficiency 99% tak hota hai bacteria removal ka. Okay, so 49 ka option C is right. And question number 50 is assertion है, slow sand filter are more efficient in removal of bacteria than rapid sand filter. The sand used in slow sand filter is finer than that in rapid sand filter. एकदम right reason है, so option A जो है, वो right हो जाएगा. Thank you for watching this video. अगर video अच्छा लगा, तो please comment में बोलिए कि इसका फिर मैं part 2 भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए. So, thank you.